इसमें आज हम करेंगे कस्टम वॉल बनाना। कस्टम वॉल? हाँ, कस्टम मतलब कि इसमें जो आपकी वॉल्स हैं, आपको जो नॉर्मली मिल रही हैं, अभी देखते हैं, जो आपको साइज मिल रहा है इसमें जेनरिक वॉल का, 4 इंच का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है, 6 का है, फिर 6 का है, 8 का है, ठीक है, और 12 का है। अगर आपको इनसे अलग साइज की वॉल चाहिए विद की, ओके, समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे कि इसमें 9 इंच की वॉल नहीं है, 9 इंच की वॉल चाहिए आपको, फिर उसमें भी आपको कस्टमाइज करके उसको वॉल बनाना है। जैसे कि 4 इंच की एक हो गई, फिर मान लो कंप्लीट उसे 9 बनाना है, तो बीच में आपने कोई पार्टीशन दे दिया, कोई सब्सट्रेट लगा दिया, जैसे वुडन वर्क लगा दिया आपने, होता है ना ऐसा? हाँ, कस्टमाइज करते हैं हम अपने आप से। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी वॉल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट में। मान लो मैंने जेनरिक ले लिया, 6 इंच की वॉल ले ली, ठीक है, फिर मैं एडिट पे गया। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, चेंजेस तो हो जाएंगे, लेकिन जो मेरी डिफॉल्ट में जो जेनरिक 6 इंच की वॉल थी ना, ये चली जाएगी। अच्छा, क्योंकि मैंने अच्छा मतलब उसी में अपडेट कर दिया ना मैंने, तो ये परमानेंट चेंज हो जाएगी? नहीं, परमानेंट नहीं होगी, सिर्फ इसी फाइल के लिए, इसी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जिस जो हमारी वर्किंग। अच्छा, जैसे कि अभी आपने इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट 1 आ रहा है इसका फाइल का नाम, आप इसको सेव कर दिया, तो प्रोजेक्ट 1 से जो भी आप प्रोजेक्ट खोलोगे ना, उस केस में ये आपकी 6 इंच वाली वॉल नहीं आएगी, जो आप इसमें अपडेट कर दोगे वो आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे साथ ये डिसअपीयर ना हो, उसके लिए इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है? ओके, डुप्लीकेट मतलब उसको हमने कॉपी कर लिया, और वो हम यहाँ पे नाम दे देंगे हम अपना जो हमें चाहिए। जैसे कि सपोज मैंने इसको 9 नाम दे दिया, जेनरिक 9 इंच, और ओके कर दिया। तो देखो हमारा यहाँ पे नाम चेंज हो गया। हाँ सर, 9 इंच हो गया, जेनरिक 9 इंच। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई अभी इसकी। हाँ, अभी भी 6 इंच ही है इसकी। तो हम स्ट्रक्चर में जाएंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, आपको कितने साइज का रखना है, 4 इंची का रखना है सपोज, ठीक है? तो मैंने यहाँ से इसको 4 इंच कर दिया, 4 इंच कर दिया। अब मुझे इसके इंटीरियर में एक वो लगानी है, इसको डाउन कर लेता हूँ, ये इंटीरियर में आ गई। हाँ, देखो इंटीरियर साइड आ गई। अब मैंने इसको स्ट्रक्चर से चेंज कर दिया सबस्ट्रेट में। आपको स्ट्रक्चर पता है, मतलब कि जो लोड बेयरिंग कंपोनेंट है उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर के ऊपर थोड़ा सा भी लोड आएगा तो उसे कौन झेलेगा? आपका स्ट्रक्चर जो 4 इंची वाला है, ये सबस्ट्रेट है, डेकोरेटिव है आपका। इसका आपने यहाँ से मटेरियल चेंज कर दिया। ठीक है, मटेरियल इसमें आप देखो क्या लगा रहे हो। ठीक है, देखिए प्लाईवुड है कि इसमें, ये प्लाईवुड लगा दे। ठीक है भाई, प्लाईवुड आ गया हमारा। हेलो, हाँ, एक तरफ हमने प्लाईवुड, आप इसकी थिकनेस कितनी कर दूं? हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थिकनेस कितनी कर दूं? 2। हाँ, 2 इंच कर दीजिए। ठीक है, दूसरी तरफ प्लास्टर कर देते हैं इस पे। हाँ, तो ठीक है, इसको ये तो इंटीरियर साइड में आ गया। हाँ, ठीक है, इंसर्ट किया, इसको मैं अप कर देता हूँ एक्सटीरियर साइड में, और इसको भी सबस्ट्रेट में कर देता हूँ, और इसमें यहाँ से मटेरियल चेंज कर देता हूँ। कौन सा प्लास्टर ले लूँ?
फेज डेमो ले लो या फेज न्यू ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, उसका कलर चेंज कर देंगे ना। हाँ कुछ भी कर दीजिए, जैसे कि हमने ये ले लिया ठीक है, और इसका डिफॉल्ट कलर वैसा आएगा जो अभी दिख रहा है आपको ग्रे कलर में। हाँ अब मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँ, हमें कौन सा चाहिए? हाँ कोई सा भी कर दीजिए, बताओ कौन सा कलर, कोई भी कर दीजिए सर, येलो येलो डाल दीजिए। चलो ये डाल देते हैं, ठीक है अपडेट हो गया आपका, देखो यहाँ पे विजिबल में आ गया, अप्लाई और ओके कर दिया। अब इसकी थिकनेस कितनी कर दूं? हाँ कौन? टू। इसकी थिकनेस कितनी कर दूं? टू कर देता हूँ। हेलो हेलो आवाज आ रही है भाई? हेलो हेलो हाँ ठीक है, नीचे खड़ा है यार, टिकट लेके आनी पड़ेगी, टिकट्स कैसे बुक होंगी? हेलो हेलो टिकट में देख लेता क्या आवाज आ रही है? हेलो हाँ आवाज आ रही है? हेलो हाँ भाई, हेलो हाँ एट हो गई भाई। अच्छा सर ऐसे फिर से चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं फिर से मॉडिफाई कर रहा हूँ मतलब फिर से कैसे? जैसे कि हमें जो हमने चेंजेस किए हैं उसमें फिर से और चेंजेस कर रहे हो मैं, जैसे 4 इंच की जगह 6 इंच करना हो। लो कर दो, डबल क्लिक करो, हो गया। ओके ठीक है। और जैसे कि सब मटेरियल में प्लाई बोर्ड है, अगर मुझे वो चेंज करना हो वो भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल सब कुछ चेंज कर सकते हो। ओके ओके ठीक, ओके कर दो, ठीक है। और 9:50 की हां, तो ये हमारी कस्टम वॉल बन गई जेनरिक 9 इंच 10 बजे का। और ओके कर देते हैं, मॉल ऑफ इंडिया। अब देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, मॉल ऑफ इंडिया पता है कहाँ है? ये देखिए, हाँ दिखा है मैंने। ओके ये ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो इसको, ठीक है ठीक, देखो ये डिफरेंशिएट हो रहा है, हाँ आधा इंच इधर आधा इंच इधर। और 3D में अगर आप इसे देखना चाहोगे तो यहाँ से इसको रियलिस्टिक किया तो देखो एक तरफ आपका प्लाईवुड आ रहा है और एक तरफ आपका, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी? कस्टम वॉल। क्या थी? अब इसी में एक चीज और होती है कस्टम में ही, इसी में एक चीज और होती है जिसको हम स्वीप कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं सर? स्वीप। स्वीप हाँ तो भाई अब यहाँ से इस बॉल को सेट किया हमने, ठीक है ना, इसी बॉल में हमें स्वीप लगाना है। एडिट पे गए और यहाँ से एडिट फिर से लिया, तो देखो अभी यहाँ पे स्वीप और रिवील दोनों ही आपके क्या है, इनेबल आ रहा है मतलब डिसेबल आ रहा है। हाँ डिसेबल है अभी। हाँ तो इसको प्रीव्यू पे हम गए तो ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे ये चीजें ऐड की हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच का क्या है 5 इंच, 2 इंच इधर 2 इंच इधर, ठीक है। अब इसको अगर अभी भी देखो डिसेबल है, यहाँ से मैं इसको वर्टिकली कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो मेरे देखो ये इनेबल हो गया। हाँ इनेबल हो गए सर, इनेबल हो गया। अब इस चीज के लिए आप स्वीप पे गए, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है प्रोफाइल लोड करने के लिए, तो
जैसे कि आपने अगर देखा हो वॉल्स में आगे पोर्च की तरफ निकला होता है ना, हाँ, तो वो हम इसी से ऐड करते हैं। ऐड किया यहाँ से, आपने सपोज प्रोफाइल ले ली, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं, सी चैनल है आपके पास, रैपिड प्रीकास्ट वाइड ये ले लेते हैं। चलो ये इसकी क्या है कैटेगरी, मटेरियल कौन सा है, ये है डिस्टेंस कि हमें बेस से कितना डिस्टेंस ऊपर लेना है। अच्छा ठीक है, या फिर हमें टॉप सेलेक्ट कर देंगे तो ऊपर से हमें नीचे कितना लेना है, खाने निकाल ले खाने। ठीक है, तो हम नीचे से ऊपर वाला डिस्टेंस लें या ऊपर से नीचे वाला लें? ऊपर से नीचे करते हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस ले लें? दो फिट। दो फिट भी ले लेते हैं। एक्सटीरियर साइड में? हाँ एक्सटीरियर। अप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये क्या है, ऑफसेट लेयर है ना वो, तो मतलब कि ये एक्सटीरियर से टॉप से है तो ऊपर चला जा रहा है, तो ये माइनस में देना पड़ेगा ना हमें, तभी तो वो नीचे आएगा डिस्टेंस में। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, अप्लाई कर दिया और यहाँ देखो ये आपको ये दिखाने लगा। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, फ्लिप कर दोगे तो इसकी डायरेक्शन इधर की जगह इधर हो जाएगी। हाँ मतलब तो इस तरह से चेंज हो गई, देखो नीचे वाली ऊपर हो गई और ऊपर वाली नीचे हो गई। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे इतना ये बाहर निकला हुआ है, जैसे कि अब ये थोड़ा सा बाहर और निकालना है, तो यहाँ पे इस ऑफसेट में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि आप इसमें दे दो 3 इंच ही दे दो। ठीक है, तो देखो ये इधर आया ना, तो इसको माइनस में देंगे तो तभी तो इधर आएगा। आगे ठीक है, और इसको हम अप्लाई करके जब हम ओके करके देखेंगे एक और बार ओके करते हैं, तो ये हमारी देखो पूरी वॉल पे इधर की तरफ आ गया, इंटीरियर में आया है क्योंकि हमने डिस्टेंस उसको उल्टा दे दिया था। आगे देखो बाहर की तरफ निकला हुआ, मैं सोने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ तो ये इस तरह से आपने देखा होगा डिजाइन में बाहर की तरफ निकलते हुए। हाँ हाँ तो ये इसी तरह से आपको निकलता है। ओके ठीक है, ये प्रोफाइल आप खुद की अपनी भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा क्या जी, इसका कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं? जी चेंज कर सकते हैं, वही इसको सेट कर एडिट में जाओ, फिर से एडिट में जाओ, स्वीप में जाओ, ये यहाँ पे मटेरियल कैटेगरी है। हाँ मटेरियल आ गया, दे दो बिल्कुल बिल्कुल जो करना हो वो कर सकते। इसमें एक की जगह मतलब दो तीन और लगानी है इसके, दो दो फिट पे, तो वहीं से उतनी प्रोफाइल ऐड करके उसमें दो दो फिट का गैप दे दो, बन जाएगा। ओके सेम प्रोसीजर से आप उसमें ऐड कर सकते हो। आया समझ आया? अब उसमें एक और ऑप्शन था क्या, रिवील का, क्या था, रिवील। रिवील इससे क्या हुआ है, स्वीप से उसमें मटेरियल ऐड हुआ है। हाँ उससे मटेरियल रिमूव होगा, ओ मतलब उसमें गैप क्रिएट होगा वॉल में, हमारी वॉल कट हो जाएगी उतनी। अच्छा अच्छा, तो सेम हमने रिवील लिया, सेम प्रोसीजर वही है। प्रोफाइल आपको कैसी लेनी है, वन ब्रिक ले लो या टू ब्रिक, वन ब्रिक ले लेते हैं यहाँ से। डिस्टेंस
कितना ले, 4 इंची ले ले, तो सॉरी 4 फुट ले ले ऊपर से। हाँ हाँ तो माइनस में लेना पड़ेगा। हाँ माइनस में लेना पड़ेगा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ एक्सटीरियर साइड में आना चाहिए, और इसको अप्लाई करा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो कट हो रहा है। हाँ कट हो रहा है। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा और अंदर इसको शिफ्ट करना है, तो यहाँ से डिस्टेंस दे दो आप इसमें। ऑफसेट दे देंगे, ऑफसेट दे देंगे, कितना 2 इंची दे देते हैं, ये भी आएगा माइनस में। हाँ अप्लाई और ओके, देखो अच्छा ये तो और आगे घुस गया। अच्छा माइनस हटाना पड़ेगा, अप्लाई ओके, अब देखो आ गया अंदर पूरा बिल्कुल। और ओके कर दो, फिर से एक और ओके कर दो, तो देखो आपको नीचे आ गया, देखो कट होते हुए। ठीक है, कोई डाउट नहीं अभी तो। तो ये था वॉल स्वीप और वॉल रिवील। अब इसकी प्रोफाइल भी आप खुद अपनी जनरेट कर सकते हो। अच्छा मतलब जैसे कि स्वीप की मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसका लेकिन प्रोसीजर अलग है, नोट कर सकते हो आप। ओके न्यू पे जाना पड़ेगा हमें, न्यू पे हाँ, और फैमिली पे जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, और यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल पे ओके की ओपन किया, ये आ गया हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसी प्रोफाइल हमें बनानी है, जैसे कि इसकी हमें सबसे पहले तो थिकनेस कितनी लेनी है, थिकनेस सपोज मैंने 5 इंची ले ली इसकी, ठीक है। और ये मुझे स्लोप में चाहिए, अच्छा इस तरह से, ठीक है ठीक। जैसे कि इसकी ये लेंथ कितनी चाहिए मुझे, 2 फीट चाहिए। हाँ इस तरह से यहाँ से ये ले ली मैंने, और नीचे से मुझे एकदम बंद चाहिए, ठीक है ओके। और इसमें यहाँ पे मैं फ्लिट लगा देता हूँ, फ्लिट अच्छा, फ्लिट कहाँ गया, ये रहा फ्लिट, ठीक है इस तरह से, ठीक है ठीक है। और इसको फिर स्केप कर देते हैं यहाँ से। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिनिश करने के बाद में लोड इनटू प्रोजेक्ट सेव भी कर सकते हो, सेव कर दोगे तो ये हमेशा आपके पास रहेगी, सिर्फ अभी टेम्परेरी यूज करनी है इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ इसको। अच्छा लेकिन जब मैं इसको क्लोज करूंगा ना रेविट को, हाँ। तो वो मुझसे पूछेगा कि आपको ये सेव करनी है कि नहीं। ओके तो प्रोजेक्ट में मेरे में लोड हो गई है वो, ठीक है। हाँ, अब इसका यूज कैसे करेंगे वही मैं बता रही हूँ, अभी यहाँ तक बनाना आया, अभी उसको बनाना आया यहाँ तक। हाँ वो आ गया मुझे, ठीक है लगाएंगे वैसे ही जो हमने पुराना प्रोसीजर सीखा है। एडिट में गए, फिर से एडिट में जाएंगे, फिर से स्वीप में जाएंगे, और यहाँ पे अभी एक तो लगा ही हुआ है आपका सीजनल, हाँ एक और लगा दो, और यहाँ से प्रोफाइल आप फैमिली बना रही जो पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी जो हमने बनाई है फैमिली वन वही यही तो है। हाँ हाँ कर दो, इसका मटेरियल दे दो कैसा देना है आपको, जैसे कि आपने ये दे दिया, और इसको ऊपर से आपको कितने डिस्टेंस पे लगाना है, माइनस 3 फीट 6 ले लेते हैं, क्योंकि 4 पे ये नीचे वाला है इसके भी नीचे आ जाएगा वो। हाँ और टॉप से एक्सटीरियर साइड, ठीक है अप्लाई कर देते हैं, आ गया देखो, ठीक है। और इसको अगर ऑफसेट देना है तो ऑफसेट दे सकते हैं हम इसमें 4,
बाहर को निकल गया ये, हाँ तो माइनस में देंगे ठीक है ओके चलिए एक और बार ओके एक और बार ओके ठीक है तो हमने अपना प्रोफाइल बना के भी बना के देख लिया वैसे भी हमने ऐड करके देख लिया तो ये थी हमारी बेसिक वॉल के बारे में पूरी ओके तो वॉल ड्रॉ करना आपको मैंने कल बता ही दिया था हाँ हाँ तो अब वॉल पे आप कोई भी प्लान बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं चाहे वो 2 BHK का BHK 3 BHK 4 BHK जितना हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं ठीक है वॉल ड्रॉ से कोई प्रोजेक्ट बना के दिखा सकते हैं हाँ बक्का भाई हाँ हाँ सर ठीक है कोई डाउट हाँ ठीक नहीं कोई नहीं ठीक है अब आपको इसमें दो टाइप की वॉल और रहती है वो मैं आपको कल बताऊंगा दोनों अच्छा अच्छा ठीक है एक होती है आपकी कर्टेन वॉल और दूसरी आपकी होती है स्टैक्ड वॉल कर्टेन और स्टैटिक स्टैटिक नहीं स्टैक्ड स्टैग हाँ STAKED ओके स्टैग्ड स्टैग्ड नहीं स्टैग्ड अच्छा स्टैग्ड हाँ KED आता लास्ट में ओके ओके चिकन खा रहे हैं ठीक तो ये अगला मैं आपको डोर और विंडो लगाना सिखा देता हूँ अच्छा सर जैसे कि ये बॉल हमने तो डायरेक्ट बॉल किया तो जैसे कि हमारे को फ्लोर पहले हम फ्लोर रेडी करेंगे ना किसी नहीं, का भी पहले बॉल बनाएंगे अच्छा पहले बॉल रेडी करेंगे पहले जब उसका प्लान बनेगा तभी तो उसके नीचे फ्लोर वगैरह लगाओगे आप हाँ है कि नहीं जैसे कि हमारे को प्लॉट का साइज पता है ठीक है कोई जैसे कि 50x50 का प्लॉट है ठीक है तो हाँ हम क्या डायरेक्ट बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे वहां से पहले या पहले पहले हम प्लान फिक्स करेंगे अपना प्लॉट आपके पास प्लॉट है ऑटो जैसे हम सर ऑटो कैड में करते हैं जैसे कि हमने एक अपना प्लान साइज जो भी है हमारा 50x50 का हमने वो फिक्स कर लिया फिर हम लाइन से बॉल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें कैसे पहले प्लॉट का पहले आपको आउटर वॉल बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी हाँ हम आउटर वॉल बनाते हैं उसमें तो आउटर वॉल बन गई आपकी वॉल लेकर के हाँ फिर उसके बाद में आप उसमें रूम्स किचन बाथरूम गेस्ट रूम हॉल ये सब निकालोगे तो ये किससे निकालोगे वॉल से तो निकालोगे ओके भाई अब उसके बाद में तो फ्लोरिंग करोगे ना कि कहाँ आपको टाइल्स लगानी है कहाँ आपको ग्रेनाइट लगाना है कहाँ आपको मार्बल लगाना है कहाँ आपको ओपन रखना है कितना क्लोज्ड एरिया है कितना आपका ओपन एरिया है उसमें ठीक है सर ठीक है उसी के बाद तो डिसाइड करोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर अब डोर लिया आपने ये जो डोर के आपके पास ये आगे साइज सिंगल फ्लश डोर है आपके लिए जिसमें आप देख रहे हो 30 30 32 34 34 36 और 36 ये क्या है आपकी आगे वाली विड्थ है साइजेस साइज में क्या है विड्थ है और ये आपकी पीछे वाली क्या है हाइट है ठीक है इंच में दिया हुआ है हाँ इंच में दिया हुआ है अगर आपको और अलग अलग टाइप के और चाहिए तो लोड फैमिली में हम जाएंगे जो मैं फैमिलीज की अभी बात कर रहा था ना आपको फैमिली चेक कर लेना तो वो यही फैमिलीज है लोड फैमिली में जाएंगे तो यहाँ से डोर में जाएंगे ठीक है सर तो ये आपके देखो अलग अलग टाइप के डोर्स आ गए आपके पास ठीक है जैसे कि ये डबल डोर है मेन वाला मैंने उसको ओपन कर लिया तो यहाँ देखो ये लोड हो जाएगा आ गया देखो इसका साइज हाँ, क्या है 72x78 यानी कि इसकी विड्थ कितनी है 6 फुट हाँ और हाइट कितनी है 6.5 ठीक है सर और इसको आप लगा दो देखो आ रहा है हाँ तो इसमें सर जैसे कि अभी हमें आ रहे को ये क्या बोलेंगे इसको प्लान में दिख रहा है ये हमारे को ठीक है अगर हमें इसका टॉप व्यू देखना हो या तो टॉप व्यू तो है ही हाँ ये टॉप व्यू है साइड व्यू देखना हो या बिल्कुल दिखा सकते हैं आपको ठीक है
अभी दिखा से, थोड़ा वेट करो। अब ये डोर आपका अंदर की तरफ खुल रहा है। हाँ अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि बाहर की तरफ खोल रहा है तो इस पर क्लिक करो तो बाहर की तरफ हो जाएगा। एक और कर दोगे अंदर। अभी आपको सेंटर से बता रहा है कि इस वॉल से इतने डिस्टेंस पे और इस वॉल से इतने डिस्टेंस पे अगर चेंजेस करने हैं आपको, तो यहाँ से डिस्टेंस देखो। जैसे कि आपको ये 9 फुट चाहिए, 9 फुट इसमें एंटर कर दो तो ये 9 फुट पे शिफ्ट हो गया आपका। ठीक है, अब आपको मैं इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। ये देखो ये आ गया 3D। ठीक है, अब कौन सी साइड व्यू देखना है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एलिवेशन है। ईस्ट पे देखोगे तो ये आपको ईस्ट में इस तरह से दिखेगा। और रियलिस्टिक चेक कर लो, उसको लो एलिवेशन आ गया तुम्हारे पास सामने से। ठीक है, अच्छा तो जो जैसे कि ये सब पैनल डोर है मेरा, पैनल बेस्ड हुआ है, तो उसमें सारे टाइप के डोर्स अवेलेबल होंगे ना जो भी होते हैं हमारे। अगर नहीं भी होते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो नेट से, और अगर आप फैमिलीज बनाने में सक्षम है तो फैमिलीज आपकी खुद की बना सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है। एक दो फैमिलीज में आपको लास्ट में करवाऊंगा, जब लास्ट में जब प्राइवेट फिनिश होगा। ओके सर, ठीक है। सेम तरीका आपका क्या है, विंडो लेने का है। ये विंडो है, कुछ विंडोज आ गई आपके, देखो विंडोज अलग टाइप की चाहिए तो यहाँ से लोड में जाओ और यहाँ से कौन सा फोल्डर चूज करो, विंडोज, और ये आपकी अलग अलग टाइप की विंडोज आ गई। देखो ये ले लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, आगे देखो। तो सर जैसे कि जो लोड फैमिली में जो विंडो या डोर अवेलेबल है, क्या हम उनका साइज चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ये यही तो इसका पैरामेट्रिक फैमिली जो हम कहते हैं ना, हाँ, वो वही उसका बेनिफिट होता है। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको जैसे कि ये विंडो डेली मैंने इस विंडो को लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लगा दी मैंने, एक यहाँ लगा देता हूँ मैं। तो इसमें देखो वॉल भी ऑटोमेटिकली कट हो जा रही है कि नहीं? हाँ, तो ये बिम टेक्नोलॉजी पे जो वर्क करता है ना, उसकी वजह से। हाँ, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो चीज है, उसको पता है कि ये वॉल पे ही लगेगी तो वॉल को कट होना ही है। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे कि ये डोर था, डोर पे क्लिक किया मैंने, हाँ, इसमें एडिट टाइप पे गया मैं, ठीक है। तो जो भी चीज होगी देखो, हाइट देखो यहीं से चेंज कर सकते थे नीचे से। अच्छा अच्छा हाँ, अब देखो ये आ गया कि फंक्शन इंटीरियर की तरफ खुल रहा है। होस्ट कौन कर रहा है इसको, वॉल कर रही है। डोर मटेरियल क्या है, डोर पैनल। फ्रेम का मटेरियल क्या है, डोर फ्रेम। थिकनेस कितनी है उसकी, 2 इंच। हाइट कितनी है, 6 फुट 6 इंच। मुंटीन जो उस पर लगा हुआ 1 इंच का है। ट्रिम प्रोजेक्शन आपका 1 इंच का है, एक्सटीरियर और इंटीरियर में 1 इंच का है। ट्रिम विड्थ जो है वो कितनी है, 3 इंच है, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 6 फिट। जो चेंज कर दोगे उसी हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है, मटेरियल तो यही कर दोगे, मटेरियल भी चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, राइट राइट। अच्छा इसमें अगर मैं जैसे मटेरियल पे जाता हूँ तो मुझे क्या अलग से एडिट में जाना पड़ेगा या यहीं पे क्लिक करें? यहीं क्लिक करो भाई हर जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका ड्रॉप डाउन यहीं आ जाएगा क्लिक करने पे। बिल्कुल ये आ गया विंडो पे। ठीक है ठीक है, ओके कर दो क्या? ओके तो बहुत है आज के लिए। हां नहीं देखो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या होता है ना, मैं ही तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हारा काम नहीं देखूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ,